अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? होप सो यू ऑल फाइन, सेफ एंड हेल्दी एट होम। तो आज हम अपने सब्जेक्ट का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, पॉपुलेशन आबादी, जिसमें आज हम इस चैप्टर के बारे में लिटिल बिट इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ ये देखेंगे कि इसको पॉपुलेशन को की डिस्ट्रीब्यूशन को किन कैटेगरीज में, किस किस तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 50 में आपको चैप्टर नंबर 6 मिल जाएगा, पॉपुलेशन, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड में। तो उसका हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का, यानी कि आबादी की तकसीम का क्या मतलब हुआ कि दुनिया की जो कुल आबादी है, द नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स हैं, वो पर स्क्वायर किलोमीटर के मुताबिक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और इतनी एस्टिमेशन के मुताबिक उनकी आबादी है। उसके अलावा अगर हम देखें दुनिया की जो आबादी है वो 1.2 यानी कि फीसद सालाना के हिसाब से बढ़ती जा रही है, तेज़ी से आबादी में तरक्की हो रही है, और मोर देन माहिरीन का कहना ये है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि 2025 तक दुनिया की आबादी 8 अरब अफराद तक पहुंच जाएगी। इतनी आबादी में चेंज आ जाएगा। उसके अलावा कुछ ऐसे कंट्रीज, कुछ ऐसे बरआज़म जिनके ममालिक में आबादी तेज़ी से तरक्की कर रही है और साथ साथ उनको उनकी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, यानी कि उनको ज़रूरियात ज़िंदगी भी चीज़ों ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी हो रही है, जैसे कि उनको मेडिकल फैसिलिटेशन ठीक तरीके से मिल रही है, एजुकेशन अच्छे से मिल रही है, खाने पीने की चीज़ें अच्छे से मिल रही हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज अच्छे से मिल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलाके, कुछ ऐसे ममालिक जहाँ पे लोगों की बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी कम्प्लीटली फुलफिल नहीं होता होती हैं और उनको कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, वैसे सेम एज इट इज़ कि उनको एजुकेशन फैसिलिटेशन नहीं मिल रही होती है, उनको मेडिकल से रेलिवेंट आप ले लो, उनको एम्प्लॉयमेंट्स में रोजगार कमाने का जरिए नहीं मिल रहे होते हैं, खाने पीने की चीज़ें उस चीज़ में शॉर्टेज हो रही होती है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से। अब हम देख लेते हैं कि दुनिया में देखा जाए तो वट एवर कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हों या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हों या नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ हों, आबादी जो है वो तेज़ी से तरक्की करती जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली वही बात आ जाती है कि जो ममालिक तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और जो ममालिक डेवलप्ड हैं उनके लिए लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना आसान होता है, लेकिन जो पसमंदा ममालिक हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं या बहुत ज़्यादा नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और वहाँ पर अगर आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है तो उन कंट्रीज़ को लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना मुश्किल हो जाता है, तो इसी वजह से उन्हें कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को किस तरह से और किन किन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो नंबर वन में आता है वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वेरी थिकली, थिनली एंड ऑलमोस्ट अनइनहैबिटेड एरियाज हैं। ये पांच ऐसा कैटेगरीज है जिन्होंने उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की है। आज हम इसके फर्स्ट टू हेडिंग को डिस्कस करेंगे एंड और अदर जो रिमेनिंग हेडिंग्स हैं वो लेटर ऑन इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। बट इसमें आप लोगों ने स्टार्ट की डेफिनेशन बतानी है, जब आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इसकी डेफिनेशन करने के बाद आपने इसको लिखा हुआ, ये ज्यादा है, आपने इसको बहुत कंसाइज करके कुछ दो तीन लाइंस में, इजी वर्डिंग में भी और दो तीन लाइन में आप लोग इसको करके लिख सकते हो। देन हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, तो पहला हम देखते हैं वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया यानी कि इंतहाई गुंजान आबाद इलाके, कि ऐसे कौन से ममालिक हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी पाई जाती है। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज वो एरियाज होते हैं जहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर मरबा में 151 अफराद, यानी कि कुछ में जो है वो 500 के मुताबिक भी बताया गया है, कुछ में 195 के मुताबिक भी बताया गया है और कुछ में 151 के मुताबिक भी बताया गया है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि इतने मरबाए मील पे एक बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो पाई गई है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से रीजन्स आते हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि हमारे कुछ बरआज़म में पाए जाते हैं। अब हमने इसमें कुछ भी डिस्कस करना है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इन सब, ये सब बरआज़म हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इन सब, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इनमें ऐसे कौन कौन से ममालिक आते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी पाई जाती है।
ओके, देन आता है एशिया। एशिया एक ऐसा ममालिक है जहां पे दुनिया में बहुत ज्यादा आबादी पाई जाती है। अब आप देख लो कि ये कॉन्टिनेंट है, और कॉन्टिनेंट के में कौन कौन से ऐसे कंट्रीज आते हैं जहां पर डेंसली पॉपुलेटेड, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड जो पॉपुलेशन पाई जाती है। स्टार्ट में बता दिया कि एशिया डेंसली पॉपुलेटेड है, ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में कंसिडर किया जाता है, और इसमें कंट्रीज जो इंक्लूड होते हैं वो है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश। ये ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है। ये बताने के बाद आप लोगों ने बताना है कॉजेज ऑफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि इंतहाई ज्यादा होने की वजह क्या है। वजह ये है क्यों, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो हैं उनका सेक्टर्स बहुत ज्यादा है। वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वहां का क्लाइमेट अच्छा है, वहां का टेम्परेचर अच्छा है, लोगों को प्रोफेशन मिल जाता है काम करने का, रोजी कमाने का जरिया वगैरह मिल जाता है इन चीजों में आसानी से। ठीक है, साथ ही कंट्रीज दोबारा वही मेंशन किए हुए हैं, आप ऐड कर सकते हो। इन्होंने ये रीजन पूछा हुआ है डेंसिटी ज्यादा आबादी होने की, क्या रीजन है। वो इसलिए क्योंकि हमारी यहाँ पर इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से लोगों का वहाँ पर स्टे करना और वहाँ पर रहना, सर्वाइव करना आसान हो जाता है। रिसोर्सेज साथ आप डेवलप्ड कंट्रीज बता दो, एंड साथ डेवलपिंग बता दो कि कौन से कंट्री डेवलप्ड है यानी कि, और कौन से कंट्रीज अंडर डेवलप है यानी कि अभी डेवलप हो रहे हैं। तो आ जाता है चाइना, जो जापान है वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इसीलिए उनके लिए जो आबादी है अगर ज्यादा हो जाए उनकी जरूरियात जिंदगी को पूरा करना मुश्किल नहीं होता है। और डेवलप कंट्रीज में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इसीलिए अगर इन मुल्कों की आबादी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर उनके लिए इनकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड हम देखते हैं अपना कॉन्टिनेंट यूरोप। यूरोप में देखते हैं कि यूरोप की ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं जहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज जो हैं पॉपुलेशन पाई जाती है। ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, जैसे डेंसिटी ज्यादा है और वो 1 स्क्वायर किलोमीटर मरबा पर फैले हुए होते हैं। इनकी वजह क्या है, कॉजेज भी उन्होंने बताई है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, लोगों का प्रोफेशन बन गया हुआ है, लोगों को रोजगार कमाने का तरीका मिल गया है, वो ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा कि लोगों को हर चीज की जो है वो सहूलत मिल रही है यहाँ पर रहते हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर इन इंडस्ट्रीज का, प्रोग्रेस का रुझान बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आप सब ये चीजें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर स्ट्रांग है तो वहां पर हंटिंग करना, एनिमल हस्बेंड्री करना, और एनिमल हस्बेंड्री से रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने पर इंडस्ट्रीज को चलाना, और ये इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और ये डेवलप कंट्रीज में भी शुमार होता है। उसके अलावा आप बताओ थर्ड हमारा कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका, कि नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, उसमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो कि कैनेडा तक जाता है, वहाँ पर भी रिसोर्स ज़्यादा होने की वजह से और वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा होने की वजह से, एडवांसमेंट होने की वजह से वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, सर्वाइव करना आसान है, एंड मोर देन के लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव होते हैं, लोगों की एम्प्लॉयमेंट स्ट्रांग होती है, और वहाँ पर जिस तरीके से भी वो सर्वाइव कर रहे हैं वो उनको अवेलेबिलिटी उनको अच्छे से मिल जाती है। देन हम देखें तो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी रिसोर्सेज लोगों को मिल रहे हैं। हमने इसमें पढ़ा था कि पंपास एक रीजन है साउथ अमेरिका का, वो भी इसमें शुमार होता है। अर्जेंटाइन भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, साउथ अमेरिका में आता है, और यहाँ पर भी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ये भी हम पढ़ रहे हैं इंतहाई गुंजानिबाद इलाके, यानी कि यहाँ पर इन इलाकों में जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा होती है। देन हम कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में एक नाइल वैली है, इन उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज हैं अफ्रीका में, यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर अफ्रीका में देखा जाए
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस पे भी है। पर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये भी होता है कि अफ्रीका के अंदर जो भी हम, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि डेवलपमेंट जो हो रही है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी है और वो भी है सॉरी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, यहाँ पर बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, ठीक है। लेकिन हम जब अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अफ्रीका का, जो कि बस सिंपल गुंजान आबादी इलाके यानी कि सिंपल डेंसली पॉपुलेटेड में आएगा, वेरी में नहीं आता, उसमें अफ्रीका का कुछ ऑपोजिट ही रोल है, ठीक है। देन कॉन्टिनेंट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं? सिडनी, पर्थ, मेलबोर्न आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पर इंतहाई ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन पाई जाती है। अब रीज़न सिंपली यही है कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो है वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, यहाँ पर इस चीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लोगों को प्रोफेशन मिल जाता है अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने का, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी कम्प्लीट हो जाती हैं और उनके लिए यही रोजी कमाने का बेहतरीन जरिया होता है और उनको प्रॉब्लम्स को फेस करना नहीं पड़ता है। तो ये था हमारा ओवरऑल, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ। हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द प्रोपोर्शन टू डेंसिटी को, में हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, जिसमें हमने देखा कि कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर, एशिया में ऐसे ममालिक आते हैं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और तेज़ी से बढ़ रही है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी है, ठीक है। वजह यह है कि इस वजह से भी लोगों की जरूरियात जिंदगी पूरी हो रही है, प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा कौन से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कौन से नॉन डेवलपिंग यानी कि अभी तरक्की कर रहे हैं, वो उन्होंने मेंशन कर दिया है। फिर हमने सेकेंड कॉन्टिनेंट पर है यूरोप। यूरोप भी में कौन कौन से ऐसे कंट्रीज आते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है, और साथ वजह बता दी कि इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो जाने की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है, जिससे लोगों ने अपना प्रोफेशन यूटिलाइज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, ठीक है, और सर्वाइव करना और लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना आसान हो गया है। नॉर्थ अमेरिका का हमने डिस्कस किया कि नॉर्थ अमेरिका को यानी कि उसके नॉर्थ ईस्ट से लेकर कनाडा तक अगर हम जाएं तो वो नॉर्थ अमेरिका को उसने कवर अप किया है, और उसमें भी जो जो भी रीजन्स आते हैं, कंट्रीज आते हैं, वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्यों, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल और अदर रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत हासिल है, एक वाइटल रोल वो एक प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा साउथ अमेरिका देखा था, साउथ अमेरिका की एक पम्पास और दूसरा एक अर्जेंटीना, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज एंड वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, एंड अफ्रीका, यहाँ अफ्रीका की नाइल वैली है, ठीक है, वहाँ पर भी आबादी बहुत ज़्यादा है। फिर वजह यही सेम आ जाती है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने ये सब का अफ्रीका, अमेरिका का भी, अफ्रीका का भी कर दिया, एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के भी ऐसे रीजन्स हैं, ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे वेरी डेंसली पॉपुलेशन पाई जाती है, और वहाँ पर अब देखो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, जिसकी वजह से उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते हैं, उनकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है वो कम्प्लीटली फुलफिल होती हैं। सेकेंड देख लेते हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरिया यानी कि गुंजान आबाद इलाके। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो है वो 105 से 150 जो पर्संस हैं पर स्क्वायर किलोमीटर मरबा तक हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, फी मरबाई किलोमीटर तक। उनमें अब कौन कौन से स्टेट्स आ जाती हैं, जिसमें हम देख लेते हैं अमेरिका, यूरोप और एशिया। अमेरिका में देखा जाए तो ये अमेरिका के कुछ ऐसे इलाके जो कि ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न एरियाज में, या आप लोगों को याद करने पड़ेंगे कि अमेरिका के कुछ साइट्स हैं, कुछ रीजन्स हैं, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर जो है वो डेंसली पॉपुलेशन पाई जाती है। उसके अलावा रीज़न ये होगा कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड अदर रिसोर्सेज एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से डेवलप हो रही हैं, ग्रोथ हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो रहे हैं, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो जिसकी वजह से उनका वहाँ पर बहुत इंजॉयली वो अब लाइफ को सर्वाइव कर रहे होते हैं। देन आता है हमारा यूरोप, हमारा नहीं सॉरी, दुनिया का जो मतलब देखा जाए तो यूरोप है,
यूरोप में हम देख लेते हैं कि ईस्टर्न और साउथर्न रीजन ऑफ द यूरोप, ठीक है, यूरोप का ईस्टर्न भी और उसकी साउथर्न साइड भी, यानी कि ईस्ट और उसकी साउथ साइड, जैसे कि यूक्रेन और सेंट्रल एशिया, कुछ ऐसे ममालिक यूरोप में पाए जाते हैं जहाँ पे आबादी तो है ज़्यादा लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं उन चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है, बट दे आर वेरी बींग फुली यूटिलाइज बिकॉज ऑफ द टेक्निकल स्किल्स ऑफ द पीपल, लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल आर हाई होते हैं, ठीक है। जैसे कि उन्होंने बताया था कि रशिया के पास फ्यू रिसोर्सेज हैं बट ऑलमोस्ट अगर हम ओवरऑल देखें तो उनमें अपनी एक अपनी कंसेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल और टेक्निकल स्किल्स होने की वजह से उन्होंने अपने आप के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया हुआ है, ठीक है। देन आता है एशिया। एशिया में अगर हम देखें तो उसमें जितने भी एशिया में कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, आप सिंपली बता सकते हो कि बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ठीक है, मलेशिया, ये सब एशिया में आते हैं। तो सिंपल आप एशिया में रीजन्स बता सकते हो कि इन रीजन्स में भी ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, लेकिन समटाइम्स जब जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज जो कि एशिया के कैटेगरी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, जैसा कि यूरोप के अंदर रशिया के पास रिसोर्सेज की कमी थी, ठीक है, यहाँ पर भी यही है, ऐसे ही होता है। उनके पास टेक्निकल स्किल्स होती हैं इन दिस रीजन, लेकिन ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से या उनके ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से उनके लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छे इम्प्रूव नहीं हो पाते हैं। सो दैट्स वाई दे आर टोटली डिपेंड ऑन दी एग्रीकल्चर। और सारे कंट्रीज भी जो है वो इसीलिए, जो एशियन के जो मोस्टली कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि इन डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। गर्ल्स, आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही है। आप लोग इसे अच्छे से सुनो एंड कोशिश करो कि हर पॉइंट को क्लियर करो। फिर भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो देन यू कैन आस्क मी, ठीक है, और अच्छे से सुनना है एंड रिस्पॉन्ड भी एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।